पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के लिए उम्मीदवारों से टिकट के लिए दरख्वास्तें तलब कर लीं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं, उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी करें, पार्टी उम्मीदवार अपने अपने हलकों में कागजात जमा कराएं। नून लीग पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का नाम है, हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी सुरखरू होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एम एन ए खालिद हुसैन मक्सी की भी मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान की तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी का हुक्म ताहुक्म सानी मौतल। हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। केस मजीद समाअत के लिए फुल बेंच को भिजवा दिया। विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। जस्टिस शमस महमूद ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, बरवक्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार। निगरान वजीर आला ने प्राइमरी एनजीओ मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च कर दिया। मोहसिन नकवी का खवातीन के लिए बनाई गई सेफ्टी ऐप मेरी आवाज़ फाल करने का हुक्म। आईजी शिकायत हेल्पलाइन 1787 को भी खवातीन के तहफ़ के लिए मजीद फाल बनाने की हिदायत। और जीसी यूनिवर्सिटी में 122वीं सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में कवाली नाइट का भी इनेकाद। 3 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल 11 मार्च तक जारी रहेगा।